भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार और लीलाओं के बारे में कौन नहीं जानता है। वह भगवान विष्णु के अवतार थे, वह जो चाहे वो कर सकते थे और कई मौकों पर किया भी था। लेकिन एक ऐसा मौका भी आया था जब श्री कृष्ण को रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा था, जिस वजह से उनका नाम रणछोड़ पड़ा था। अब आप सोच रहे होंगे कि वो तो भगवान थे, फिर उन्हें किसी से भागने की क्या जरूरत थी। दरअसल इसके पीछे एक बेहद ही रहस्यमय कहानी है, जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। ये कहानी कुछ इस तरह है कि एक बार मगधराज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा था, लेकिन वे सिर्फ अकेले नहीं बल्कि उसने श्री कृष्ण के खिलाफ युद्ध के लिए यवन देश के राजा कालयवन को भी अपने साथ मिला लिया था। दरअसल कालयवन को भगवान शंकर से ही वरदान मिला था कि न तो कोई चंद्रवंशी और न ही कोई सूर्यवंशी उसको युद्ध में हरा सकता है। उसे न तो कोई हथियार माँच सकता है और न ही कोई अपने बल से हरा सकता है। भगवान शंकर से मिले वरदान की वजह से कालयवन खुद को अमर और अजय समझने लगा था। उस लगने लगा था कि कोई भी उसे युद्ध में हरा नहीं सकता है और न ही माच सकता है। जरासंध के कहने पर कालयवन ने अपनी सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण कर दिया। अब चूंकि श्री कृष्ण जानते थे कि कालयवन को वो अपने बल से माच नहीं सकते हैं और न ही उनका सुदर्शन चक्र उसका कुछ बिगाड़ सकता है, इसलिए वो रणभूमि छोड़कर भाग गए और एक अंधेरे